और ये है ना हमारा पुराना ऑफिस। रवि कैसा लग रहा तुम्हें इस गली में फिर से वापस आके? बेकार लग रहा है। बट हाँ, पार्टी मेरे तरफ से, पेमेंट तुम करना। हाँ, पार्टी मेरे साइड से, पे रवि करेगा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ऐसे अब क्या देख रहे हो? अभी यही सोच रहा हूँ ना थंबनेल देखने के बाद, आज सच में यार मैं ना बहुत 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 ज्यादा खुश है यार। आज मतलब लिटरली ना मेरे को ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा था मैं ऑफिस में। एक तो सुबह जब उठे ना, सुबह उठने के बाद मैं वैसे भी उठते हैं, उठने के बाद ही तुरंत अपना सब्सक्राइबर चेक करते कि कैसा चल रहा है। तो 300 समथिंग था, 300 में 294 था। मेरे को ना सच में बिलीव नहीं हो रहा ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब मैं ये कैफेटेरिया में आज ऑफिस था ना, ऑफिस में वैसे यार मैं कहीं बताया इतना दिमाग नहीं बोलेंगे तो एक है ना कि मोरल थोड़ा सा आज मेरा डाउन था। वैसे भी जैसे ऑफिस गए थे, मेरा ना सर्टिफिकेशन चल रहा है, तो आज मतलब हमारे बैच जितने भी थे सब डी सर्टिफाई हो गया, फिर से भी सर्टिफिकेशन में। हाँ, एक है साहिल सिर्फ सर्टिफाई हो गया, बाकी सारे जो हम लोग 12 लोग थे वो सब डी सर्टिफाई हो गए। इतना मोरल डाउन हो गया था, मूड ऑफ सा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कैफेटेरिया में बैठे, मैंने कहा चलो एक बार और ना अपना देख लेते मतलब मेरा जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर जो काउंट है कितना चल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे यार, आज इतना ज्यादा खुश थे ना, मेरे को समझ में ही नहीं आया 348 समथिंग चल रहा था। उसके बाद शाम में जैसे है ना श्रेया का कॉल आया, उसका रवि कॉल करे कि भाई तू अपना सब्सक्राइबर देखा क्या? मैं लिटरली उस टाइम पे ना मतलब बिलीव नहीं करोगे मैं पागल हो चुके थे। मैंने कहा दोपहर में 3 समथिंग ऐसे देख रहे थे, 400 अभी 500 मतलब 500 के अप्रॉक्स चल रहे अभी। पर सच में आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है ना यार, मतलब इस चीज का ना बिलीव नहीं करोगे। पिछले 6 महीने से ना मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रहे, नॉन स्टॉप बिना रुके ब्लॉग डाल रहे, और आज जाके ना वो चीज़ ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेट अभी भी है, मतलब एक मोटिवेशन आ रहा है कि और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट है ना कई बताया, बट इसी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे ऑफिस से, ऑफिस से आने के बाद श्रेया भी निकली गई थी, उसका शिफ्ट खत्म हो गया था, फिर मैं उसको बोले यार ऐसे नहीं हो, मैं ना मतलब वो आज मंदिर जाना हो किसी तरह भी। तो फिर उसके बाद अभी बस मैं चेंज वेंज मस्त आराम से कर लिया, मतलब फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद अभी मैं निकल रहा सबसे पहले मंदिर, प्रसाद चढ़ाएंगे जो कि मेरा बहुत टाइम से मन भी था इसी वजह से। तो चलते भी जल्दी से मंदिर, प्रसाद चढ़ाते। और हाँ गाइस, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, इसी वजह से ना इस महीने फरवरी मंथ में आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक प्लान बन रहा था, वो भी जिम कॉर्बेट का, अब शायद चेंज जो कि लैंसडाउन जा रहे हैं हम लोग फिर से दोबारा। वो ब्लॉग आप लोग देखना, काफी अच्छा लगेगा, पहले भी कहते बट हाँ कुछ ऐसा जगह था ना जहाँ पे लैंसडाउन में एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, वो इस बार करेंगे और काफी अच्छा लगे आप लोगों को। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक होता ना कि अच्छा ब्लॉग चलने का रिस्पॉन्स अच्छा है जैसे कि अभी आ रहा है, तो फिर मैंने रवि को फोन किया और फिर हमने यही प्लान किया कि अब हम एक जगह और जा रहे हैं, जीवी जाएंगे। वो पहले लैंसडाउन, अभी 12-13 को निकल रहे, 17-18 को ना फिर मैं जीवी निकल रहे। अभी देखते ऑफिस से कैसे, मतलब वो चीज़ भी मेरे को देखना पड़ेगा। 17-18 को जीवी पे निकलना, मतलब ऑलमोस्ट 8 दिन का छुट्टी चाहिए। लेट्स सी कैसे होता, पहले चलते हुए मंदिर। मंदिर से आने के बाद आज का प्लान कुछ ऐसा है गाइस, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्काई लेजर टाइगर ट्रैम्पलिन, मैंने आपको बताया था ट्रैम्पलिन वाले ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं स्काई लेजर खेलने के लिए, जो कि त्रिशा जो ऑफिस में इस वजह से। तो हम कौन कौन जा रहे हैं, मैं, श्रेया, रवि और राधिका, प्रतीक, हम 5 लोग जा रहे हैं। और काफी अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग, एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा और इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। चल रहा है फाइनली गाइस, अभी है ना मंदिर आ गए। बहुत टाइम से मैं सोच रहे थे कि साईं बाबा के मंदिर जाके ना वहाँ पे मतलब मथा टेक कर आएंगे, और फाइनली आज जब 400-500 से प्लस हम चल रहे, अच्छा खासा है ना व्यूज आ रहा, तो मैंने सोचा कि आज तो दर्शन करना बनता है। बाकी चलते भी जल्दी से दर्शन करते हैं अंदर। चलो फाइनली दोस्तों, अभी मंदिर का दर्शन हो चुका है, और अभी एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं स्काई लेजर टैग खेलने के लिए, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रैम्पलिन में जो हमने खेला था ना, मतलब तो ट्रैम्पलिन गए थे, ट्रैम्पलिन के जस्ट ऊपर था वहाँ पे स्काई लेजर टैग। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पर, मस्त बहुत सारा मस्ती फन सब कुछ होगा वहाँ पे, आप लोग आकर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं, ये कौन सा मॉल है, ये ILD ट्रेड सेंटर है ना, हम यहाँ पर आए और यहाँ पर ही खेलेंगे स्काई लेजर। बाकी ये सारे पहुंच चुके हैं, राधिका, रवि, प्रतीक और श्रेया, नाम भी भूल जाते हैं यार, ये तो ना एकदम से थोड़ा सा वो हो जाता है, नाम ही भूल जाते हैं, बट ठीक है चलते भी जल्दी से अंदर और
एक्सप्लोर करते हो और फन करो आप लोग भी ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा आप लोगों को। एक तो ये हमेशा ना पहुंचते ही इसको बस अपना इमरजेंसी चाहिए होता है, अभी चुपचाप अंदर चलो फॉर्म फिल करना बहुत सारा काम है, बंद हो जाएगा फिर, इसलिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट टाइम जब आए थे ना, वैसे तो उस साइड कॉर्नर पे है ट्रैम्पलिन, तो बाकी ना लास्ट टाइम जब आए थे ना तो यहाँ पे ये सारा कुछ मार्केट छोटे छोटे शॉप था ना, ये नहीं था, बट काफी अच्छा लग रहा है ये भी। बट यहाँ से ये लोग देखते, लड़के को देखते, आप लोगों को पता है तुरंत उन लोगों ने ये लेना, बाकी ये लोग खत्म करते तो फिर हम लोग चलेंगे। जब तक है ना मैं सोचते कि जाकर है ना जो हमारा फॉर्म फिल ये सब है ना पहले करना होता है, तो ये सारा कुछ करके काम खत्म कर लेते हैं फिर आराम से अंदर चलते हैं। सो बेसिकली ऐसे ना सर हम 10 मिनट लेट हुए और ट्रैम्पलिन बंद हो चुका। मैंने सर रिक्वेस्ट भी किया कि हम 5 लोग हैं, बट हाँ जो स्टाफ थे ना वही चले गए, तो जो इनका टाइमिंग था ना वो 8:30 लास्ट था। बट ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है फिर, बताओ अब चलते कहीं और चल के बैठते। रवि कहाँ गया? रवि अभी भी वहाँ पर लगा है, ऐसे रिक्वेस्ट करना कहीं देते, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ना उनके जो मेन स्टाफ थे ना जो लेजर टैग खेलवाते हैं वो है ही नहीं। तो देखते हैं अभी कहीं और चलते हैं, कहीं आप फिर कैफे कुछ ऐसा एक्सप्लोर करें, कैफे नहीं मतलब जो बाहर ही ना बर्गर किंग ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर चल के ना कुछ खाते हैं। ये जो लेट हुआ ना सिर्फ लड़कियों की वजह से लेट हुआ, ये लोग रेडी होने में इतना टाइम लगाते ना इतना ज़्यादा, सिर्फ 10 मिनट पहले इन्होंने बोला कि आ जाते ना तो हम खिलवाते, सिर्फ 10 मिनट लेट थे। ठीक है चलो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, बट हाँ टाइमिंग पता चल, मतलब है ना इसमें हमारा भी गलती था। इसीलिए ना घर से निकलने से पहले हमें टाइमिंग चेक कर लेना चाहिए था, 8:30 लास्ट से या फिर 9 बजे भी आते ना उन्होंने बोला था करवा देंगे। बट देखते अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे डोमिनोज या फिर एक और यहाँ पे HR26 एक ढाबा है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे फिर डिनर करके घर चलते हैं। बड़े मशक्कत के बाद है ना हमने मैकडी, बर्गर किंग, पिज्जा हट और डोमिनोज सारा चीज डिसाइड करते करते लास्ट में थक मर के हार के ना हमने डिसाइड यही किया कि ये 5 महीने मैकडी है तो भी हम चलते हैं वहाँ पर। और फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैकडी और ये है ना हमारा पुराना ऑफिस। रवि कैसा लग रहा है तुम्हें इस गली में फिर से वापस आके? बेकार लग रहा है। ये रहा हमारा मैकडी और यहाँ पे ना गाइस जब मैं इस वाले ऑफिस JMD में हमारा था वहाँ पे मैं जॉब करते थे ना, तो शाम के टाइम ऐसा रहता था कि हम लोग शाम के टाइम हमेशा यहाँ पर आते थे मैगी खाने में, क्या ही बोल रहे, बर्गर खाने के लिए फिर एक मैक पॉप ये सारा कुछ खाने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर आता। तो अभी चलते हैं अभी अंदर। रवि पता है तुम्हें राधिका, रवि पहले यही रहता था और इसको यहाँ से यू ब्लॉक लेकर चलते थे कि नहीं उधर चल रहे हो मस्त आराम से। You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain. So finally guys है ना अभी हम लोग यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, रवि अपना कर रहा है, सब कर दो, सब ये भी कर दो सारे कर दो। पेमेंट कौन कर रहा है पहले ये बताओ, रवि तुम? ठीक है बस डन, बट हाँ पार्टी मेरे तरफ से, पेमेंट तुम करना। हाँ पार्टी मेरे साइड से, पे रवि करेगा। You don't ever wanna give me wings. You don't have... कैसा लग रहा है रवि बहुत टाइम के बाद देखकर? और फाइनली गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा ये फ्राइज बर्गर आ चुका है। ये रहा हमारा कोक, वैसे ना मैंने नॉर्मल ऑर्डर करा था वो नहीं मिला, तो कोक जीरो मिला, मैंने कहा चलो ठीक है जो मिला खा लेंगे। बट हमने एक एक्स्ट्रा वो क्या ऑर्डर किया रवि, वो चिकन, अच्छा चिकन विंग्स है ना, फ्राइड है वो। I wanna set me free. You know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. फाइनली गाइस बर्गर सारा कुछ खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं। बट हाँ मैं यहाँ से बर्गर खाने के बाद एक लास्ट होता ना कि यार डेजर्ट हमेशा खाती है, तो बस डेजर्ट में हमने यहाँ पे करवाया मैक्सवेल करके कि एक आइसक्रीम है नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे जब भी मैं आते ना वो खा कर ही जाते हैं। ये लोग अभी वहाँ पर अपना वो ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे राधिका को देखते हो, ये हमेशा है ना कुछ भी बनाती है, अभी कुछ भी खरीदेंगे ना पहले खुद नहीं खाएगी, सबको खिलाने लगेगी, एक एक बाइट ना करके सबको देने लगेगी। तुम खाओ ना पहले, सबने खा लिया, तोड़ो अच्छे से तोड़ो, खाओ तो और खाओ, ऐसे सबको खिलाती है ये। कभी ट्राई करना गाइस, ये टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. ऐसे ही नचाया करते हो ना? देख लो एक बहन अपने भाइयों को कैसे घुमाती है अपने उंगलियों पे। बहन दो भाइयों को हाँ। चलो गाइस ना काफी ज्यादा फन इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको ये ब्लॉग ना पसंद आएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों घर पे और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग पता क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना जितना ज्यादा कर सकते हो, मुझे पता आप लोग करोगे। बाकी मिलते कल नहीं परसों सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the mom. Ravi gir jayega mat karo. Ravi gir jayega. Ravi mat kar yaar. But if I lay down